Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. रावल पिंडी के इलाके सदर में धमाके के नतीजे में एक शख्स जहां बाहक और एक जख्मी हो गया बम डिस्पोजल स्क्वाड और पुलिस की भारी नफरी जाय वकुआ पर पहुंच गई पुलिस के मुताबिक रावल पिंडी के इलाके सदर में जोरदार धमाका हुआ जिसके नतीजे में एक शख्स जहाँ बाहक और एक जख्मी हो गया जहा बाहक शख्स और डाकू को डी एच के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया धमाके के बाद सी पी ओ समेत पुलिस की भारी नफरी और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी जाय अकुआ पर पहुँच गया धमाके की नोयत का ता हल इल नहीं हो सका धमाके ऐसी मुतादिद गाड़ियों और दुकानों को भी नुकसान पहुँचा बम डिस्पोजल स्क्वाड ने इलाके की सर्चिंग शुरू कर दी वजे आजम इमरान खान ने किफायत शारी मुहम पर अमल दरामद करते हुए वजी आजम सेक्रटेरीट के लिए मुख्त फंडारह करोड़ सैंतीस लाख की बचत करवाई रकम वजारत खजाना को वापस लौटा दी गई इमरान खान ने किफायत शारी का एक और वादा पूरा किया सबका हुकूमतों ने सरकारी पैसा बेदरी उड़ाते हुए शहाना अंदाज जिंदगी अपना रखा था इमरान खान ने वजी अजम ऑफिस और हाउस के अखराज में इक्कीस फीसद तक रिकॉर्ड कमी करते हुए किफायत शारी की मिसाल क़ायम कर दी वजी अजम सेक्रटेरीट किफायत में तमाम चौंतीस विफाकी चवालीस डिवीजनों पर बाजी ले गया वजीर और के लिए में 18 की बचत करते हुए खजाना को कर गए। साल दो हज़ार उन्नीस के दौरान वजीर और हाउस के लिए मुख्त छियासी करोड़ अट्ठाईस लाख रुपये में से सड़सठ करोड़ बानवे लाख रुपए के अखराज हुए आइंदा माली साल दो हजार इक्कीस के लिए भी लगभग छियासी करोड़ रुपए मुख्त किए गए हैं वाज है रहे कि पिछले साल वजी हाउस के अखराज में इकतालीस फीसद कमी की गई थी और सरकारी खजाने को तीस करोड़ पाँच लाख रुपए वापस जमा किए गए थे वजीर अजम इमरान खान ने किफायत शुरी मुहिम पर अमल दरामद करते हुए वजी अजम सेटेट के लिए मुख्त फंड अठारह करोड़ सैंतीस लाख रुपए की बचत कराई बकार हुसैन टैक टी वी पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीनी स्कैंडल इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ पर समात हुई अदालत ने इस्तफार किया शुगर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत चीनी रुपए किलो की जिम्मेदारी ले शर्त मंजूर है तो आइंदा समात तक हुकूमत को चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई से रोक रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत से जवाब तलबी तक चीनी सत्तर रुपए किलो बेचने की हिदायत कर दी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा हुकूमत से जवाब ले लेते हैं इस वक्त तक चीनी सत्तर रुपए में बेचे अमूमी तौर पर एग्जीक्यूटिव मामला में मदाखलत नहीं करते मजदूर की जरूरत चीनी है मशरूब पर सब्सिडी दी जा रही है आम आदमी को बुनियादी हकूक क्यों नहीं दे रहे यहाँ पर मुफाद आमा का सवाल सामने आया है जिस मकसद के लिए कमीशन बना था वो पूरा ही नहीं हुआ आम आदमी को चीनी की सहूलत फरहमी के लिए कुछ करना था लेकिन नहीं किया अदालत ने दस रोज के लिए हुक्म इम्तना जारी करते हुए नैब एफ आई ए एस ई सी पी को के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीनी इंक्वायरी कमीशन को दस रोज के लिए कार्रवाई से रोक दिया अदालत ने वफ़ाक़ वफाकिया शहजाद अकबर सेक्रेटरी दाखिला और इंक्वायरी कमीशन अरकान को नोटिस जारी कर दिया बकार टी वी पाकिस्तान इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकी शहरी सिंधिया रिचि की जानब से बेनजीर भुट्टो पर इल्जाम आयद करने पर मुकदमा दर्ज करने से मज़रत कर ली पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर इल्जाम का मुकदमा साइबर क्राइम एक्ट के तहत एफ आई ए रजिस्टर्ड कर सकती है सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी ने पीपल्स पार्टी के रुकन वकास अब्बास की दरख्वास्तर समात की दरख्वास्त में मौके पर किया गया की कि बेनजी भुटो आरोप इल्जाम आयद करके सिंथिया रिची ने काबिल दस्त अंदाजी जुर्म किया पुलिस को दरख्वास्त दी लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया जा रहा अदालती नोटिस पर थाना बनी पुलिस के That's पेश works. हुए और अदालत को बताया कि ये सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाया गया और एफ आई ए का केस बनता है हमारे दायरे अख्तियार में नहीं सोशल मीडिया के मामले पर मुकदमा दर्ज करें। इस्लामाबाद पुलिस ने सिंथी के खिलाफ मुकदमा एफ आई ए का इख्तियार करार दे दिया दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि हमारी दरखास्त पर ताज़ी पाकिस्तान की दिफात बनती हैं पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है सिर्फ बहाना बना रही है दफा पाँच सौ और पाँच सौ पाँच के तहत पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का अख्तियार है एडिशनल सेशन जज सेबा चौधरी ने पुलिस से तफसीली जवाब तलब करते हुए केस की समाज सत्रह जून तक मुलतवी कर दी इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकी शहरी सैनिता डरीची की जानब से भुट्टो पर पर्जाम आयद करने पर मुकदमा दर्ज करने से मददरत कर ली बकार टी वी पाकिस्तान एहतसाब अदालत में तोशा खान से गैर क़ानूनी तरीके से गाड़ियां लेने से मुख्य नैब रेफरेंस की समात हुई रेफरेंस में नामजद मुलम सबक वज़िर यूसुफ़ रजा गिलानी अदालत में पेश हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानब से हाजिर से इसना की दरख्वास्त दायर की गई जबकि सबक वजीर अजम नवाज़ शरीफ आज भी अदालत में पेश नहीं हुए अदालती इस तफसार पर आसिफ अली जरदारी के वकील फारुक ऐश नाइक ने बताया कि सबक सदर आफ अली जरदारी कराची में है उन्हें हैसियत में तलब न किया जाए आसिफ अली पेश हुए तो अदालत में जगह नहीं रहेगी उन्होंने वजीर आजम नवाज शरीफ की नाकबले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी जबकि वजारत खारजा को बरतानिया में पाकिस्तानी हाई के जरिए वारंट गिरफ्तारी की तामील कराएं तो शाह की मजीद तीस जून तक मुलतवी कर दी गयी एहतसाब अदालत ने दोशाखाना रेफरेंस में मुसलसल आदम हाजिरी पर सबक वजीर अदम नवाज शरीफ के नाकबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए जबकि आसिफ जरदारी को हाजरी से अस्तना मिल गया बकारारसैन टैक्ट टी वी पाकिस्तान सदर नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब गुल का कहना है की जिले इंतजाम से मुजाक का सिलसिला जारी है इस वक्त आटे की बोरी आठ सौ रूपए तक जबकि फाइन की बोरी बारह सौ रूपए तक महंगी हो चुकी है वाइस चेयरमैन मीर दाद खान के मुताबिक तंदूर मालिकान को सस्ता आटा और फाइन फराहम किया जाएगा तो सस्ती रोटी और नान फरोख करेंगे तंदूर मालिकान अपना मजीद नुकसान नहीं कर सकते कीमतों का बाकायदा नोटिफिकेशन आज शहर के तमाम तंदूर मालिकान को जारी कर दिया जाएगा जिसके बाद रोटी और नान नई कीमतों के मुताबिक फरोख किया जाएगा उधर वज़र अली पंजाब ने नान रोटी की कीमतों में इजाफ़े के खुद साख्ता ऐलान का सख्ती से नोटिस दे लिया वजी अली पंजाब की जानब से हिदायत में कहा गया है कि नान रोटी कीमतों में इजाफे का कोई जवाब नहीं सूबाई काबीना कमेटी बरए प्राइस कंट्रोल नान रोटी की कीमतों में इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे इंतजामिया भी नान रोटी की मुकर करदा नरखों में दस्तियाबी यकी बनाए मुकर्र करदा नरखों से ज्यादा वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी नान रोटी की कीमत में बिला जवाज़ इजाफा करने वालों के खिलाफ मुतहदा नान रोटी एसोसिएशन ने सादा रोटी और नान की कीमत में इजाफे का फैसला कर लिया सादा रोटी 100 ग्राम आठ रुपए जबकि 120 ग्राम नान पंद्रह रुपए का होगा वकार हुसैन टेक टीवी पाकिस्तान विफाकी हुकूमत की जानब से विफाकी बजट पेश कर दिया गया है जिसमें नया कोई टैक्स आयद नहीं किया गया है विफाक़ी मिज़ानी का हजम सात हजार छः सौ अरब तरक्याती प्रोग्राम के लिए एक हजार तीन सौ चौबीस अरब जबकि इंसदाद कोरोना के लिए सत्तर अरब रुपए मुख्त करने की तजवीज़ दी गई है विफाकी वजी सनत पैदवार हमाद अजहर का विफाकी बजट पेश करते हुए कहना था तहरीक इंसाफ का दूसरा सालाना बजट पेश करना मेरे लिए एसाज की बात है इसे वबा के बायस मुश्किल को मद्देनज़र रख के बनाया गया है उन्होंने कहा कि मैशत के इस्तेकाम के जो मेहनत की उसे कोरोना वायरस की वजह से शदीद धा लगा बदकिस्मती से इस वबा ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया तवील लॉकडाउन के जरिए सरगर्मियाँ मान पड़ गयी कोरोना की वजह ऐसी तमाम सन्नतें और कारोबार बुरी तरह मुतासर हुए तवील लॉकडाउन मुल्क भर में कारोबार की बंदिश सफरी पाबंदियों और समाजी फासला बरकरार रखने के नतीजे में सरगर्मियाँ मान पड़ गयी है जिसकी वजह से जी डी पी ग्रोथ रेट और सरमाकारी कमजोर तबके के लिए बारह सौ अरब का पैकेज दिया जबकि तिबी शोबे के लिए पचहत्तर अरब रुपए रखे गए हैं। कारोबार में आसानी के लिए खसूसी इकदाम किए गए हैं वज़ीर अजम ने छोटे को खसूसी पैकेज दिया तामीराती शोबे को तारीखी मराद देते हुए विद होल्डिंग टैक्स में छूट और उसे सनत का दर्जा दिया गया वजीर आज़म ने छोटे कारोबार के लिए खसूस पैकेज दिया जिसके तहत तकरीबन 30 लाख कारोबारों के तीन माह के बिल अदायगी के लिए पचास अरब किए गए हुकूमती इस्ताहात के बारे में बात करते हुए उनका कहना था कि पेंशन के निजाम को जदीद बनाने से बीस अरब की बचत होगी पेंशन के निजाम में इसलाहत लाई गई जिससे पेंशन की अदायगी खुदकार निजाम से हो रही है इससे तकरीबन बीस अरब रुपए की बचत होगी निजकारी के अमल से हुकूमत के गैर बोझ को कम किया जा सकेगा आसान कारोबार में इसल में आलमी रैंकिंग एक से एक पर आ गई पेट्रोलियम मसनुआत में कमी करके आवाम को 70 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया पेट्रोल की कीमतों में बयालीस रुपए फी लीटर और डीजल की कीमतों में सैंतालीस रुपए फी लीटर तक कमी करके पाकिस्तान के अवाम को सत्तर अरब रुपये का रिलीफ पैकेज दिया गया जो बड़े सग़ी के अंदर और हमारे खत्े में सबसे ज्यादा है तवील मुद्दती कर्जों के हसूल में आसानी पैदा की गयी बैंकों को आठ सौ अरब कर्ज देने की इजाज़त दी गयी इनफरादी और कारोबारी कर्जों के लिए बैंकों को इजाफी 800 अरब रुपए कर्ज देने की इजाज़त दी गई है जिसके लिए कर्ज की हद में इजाफा किया गया विफा वजी ने कहा की कि किफायत शारी और गैर जरूरी अखराज में कमी यकीनी बनाई जाएगी अफवाज पाकिस्तान के मशहूर है जिसने किफायत शारी मुहिम में भरपूर ताउन किया कमजोर तबके के लिए एहसास प्रोग्राम के तहत माली मुआवनत का सिलसिला जारी रहेगा टिडी दल की रोकथाम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए आइंदा माली साल का बजट वबा की बहरानी सूरत हाल से निमटने के लिए तश्कील दिया गया 200 अरब रुपए रोजाना उजरत कमाने वालों को दिए गए हैं 200 अरब रुपए रोजाना इजरात कमाने वाले वर्कर्स कैश मुलाज्मों और कैश ट्रांसफर के लिए, लिए मुख्त किए गए पचास अरब रुपए यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती नरखों पर अशिया की फ्राहमी के लिए मुख्त किए गए फाकी वजी ने कहा की आवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इस बजट में कोई नया टैक्स न लगाया गया कोरोना के तदारों के लिए 1200 अरब रुपए से जायद के पैकेज की मंजूरी दी गई है मजमुई तौर पर 875 अरब रुपए की रकम विफाकी बजट में रखी गयी है इस जमीन में हुकूमत ने बारह सौ अरब रूपए ऐसी पैकेज की मंजूरी दी है मजमुई तौर आरोप आठ अरब रूपए की रकम विफाक बजट ऐसी फराम की है जो की दर्ज ऐल कामों के लिए मुख्त है इसके अलावा तिबी आलात की खरीदारी के लिए इकहत्तर अरब रुपए, गरीब खानदानों के लिए 150 सौ पचास अरब एमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब रुपए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 55 अरब बल्तिस्तान के लिए 32 अरब खैबर पख्तनख्वा में जम अजला के लिए छप्पन अरब सिंध के लिए 19 अरब मुख्त जबकि बलोचिस्तान के लिए दस अरब की खसूसी ग्रांट रखी गयी है आजाद जम्मू एंड कश्मीर के लिए पचपन अरब रुपए और किल्कि बल्तिसान के लिए बत्तीस अरब रुपये मुख्त किए गए हैं खैबर पख्तूनखा खा के जमशुदा अजला के लिए छप्पन अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं इसके अलावा सिंध को उन्नीस अरब रुपए और बलोचिस्तान को दस अरब रुपये की खसूस ग्रांट इनके एन एफ सी हिस्से से जायद फ के तहत दो हजार का रेवेन्यू। फाकी ने आइंदा माली साल दो हजार बीस इक्कीस के लिए बहत्तर खरब एक सौ चौरानवे अरब का विफाकी बजट पेश कर दिया सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला किया गया है वकार हुसैन टैक टीवी पाकिस्तान सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेसिफिकेशन पक YouTube पर टैग टी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो टैग टी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता आपका तावन भी हमें चाहिए टैग टी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें आप इश्तहार दे सकें तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार होंगे